16 जनवरी से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ डॉक्टर JM त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SP पांडे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में लगाए जाने वाले कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि एक व्यक्ति को एक ही कंपनी का टीका दो बार लगेगा, इसलिए वैक्सीन को बचा कर रखें जिससे टीका लगाए गए व्यक्ति को दोबारा टीका लगाया जा सके। दो तीन नई प्रकार सब जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन कैरियर को आइस पैक को डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं किया जाता, ये तो गोल्डन रूल है इम्यूनाइजेशन। वो उसका सेकेंड डोज उसी कंपनी की वैक्सीन जो है उसको देनी है। आपके पास आई है उसका 50% डोज आपको अपने पास तब तक रखना है जब तक कि उसी कंपनी की वैक्सीन आपको और सप्लाई नहीं की जाती, बेनिफिशियरी का वेट करते रहे। इसलिए लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि ऊपर उस बात को अब कैंसिल कर दीजिए अपने दिमाग से। वैक्सीन निकाल के आइस पैक पे नहीं रखनी है। अब वैक्सीन बिल्कुल उस तरह से मैनेज होगी जिस तरह से आप IPV की वैक्सीन मैनेज करते हैं, नहीं रखनी है। और इसी वजह से जो दूसरा आइस पैक आपको दूसरा वैक्सीन कैरियर भेजा जा रहा था उसकी अब जरूरत नहीं रही है। और है दूसरा वैक्सीन के लिए नहीं भेज सकते, अगर वो किसी वजह से फ्रीज हो जाती है, वो है कोई या पर्टिकुलरली जो कोविशील्ड है उसमें कोई आपको ट्रांसलूसेंसी दिखती है यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती है। BCG या मीजल्स की वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 4 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, इसको भी खोलने के बाद जब 4 घंटे तक ही इस्तेमाल करना है, 4 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं होनी। जरूरी है कि पहले आपको बताया गया था कि जैसे ही आप वायल खोलेंगे उसके ऊपर डेट डालेंगे, लेकिन अब ये इम्पेरेटिव है कि उसके ऊपर डेट और टाइम दोनों डालेंगे। तो ये सूचना जो है आपको अपने वैक्सीनेटर को जरूर देनी है क्योंकि टाइम ज्यादा होगा तभी वो 4 घंटे वाली बात हो पाएगी। और दूसरा यह है कि कोई भी सिरिंज पहले से भर के नहीं रखनी। ये नहीं करना है कि 4 सिरिंज पहले से भरे, 4 बेनिफिशियरी चारों सिरिंज भर के रखने और चारों को इकट्ठा कर दे, ये नहीं करना है। कि आपने जो डोज दिया है वो हमारे फर्स्ट राउंड के लिए सफिशियंट है। हम 50% बचा नहीं सकते। सारे डिस्ट्रिक्ट से पूछ लीजिए किसके पास ऐसी आई है लक्ष्य, जिसमें ऐसा है आपके हेल्थ केयर वर्कर में अगर 100 हेल्थ केयर वर्कर है तो केवल 50 को लगेगी। ठीक है जी, ठीक है। और इसीलिए जो आपके वो हो रहा है वो हमने UNDP को फॉर्मूला बताया हुआ है कि कैसे प्रायोरिटाइजेशन होगा, ठीक है।